शहर के बस स्टैंड क्षेत्र से सड़क पर लगने वाले रविवारी बाइक बाजार पर यातायात विभाग और नगरपालिका अमले ने सख्ती दिखाई। थाना प्रभारी दीपक स्वर्णकार के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात में बाधा बन रहे ऑटो डील दुकानदारों को सड़क पर वाहन लगाने पर फटकार लगाते हुए चालानी कार्रवाई की। बाइकों के दस्तावेज भी मांगे जो मौके पर डील संचालक नहीं दिखा सके। पुलिस ने बिना दस्तावेज पाए गए वाहनों को अभिरक्षा में लेकर यातायात थाने पर खड़ा किया। कार्रवाई के दौरान चेतावनी दी कि अब यदि सड़क पर वाहन लगाए तो वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी के मुताबिक नो पार्किंग में खड़े 10 वाहनों के चालान बनाए, 4 वाहनों के दस्तावेज बुलवाए गए। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये सर आज के ऑटो की डील सेंटरों पे जांच की जा रही है, कुछ वाहन भी जब्त किए, क्या करवाई है सर? कई बार इनको समझाए, पहले भी दी जा चुकी है और बार बार समझाने के बाद भी जब ये गाड़ी अंदर नहीं रख रहे हैं ऑटो डील वाले, रोड पे इन्होंने पूरी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, तो आज फिर डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ थाने भी भेजी हैं और चालानी कार्रवाई स्पॉट पर भी कर रहे हैं। कितनी दुकानों पर जाँच की सर? अभी 4-5 दुकानों पर जाँच कर ली है। लगभग इस कार्रवाई को देख के कई दुकान वालों ने अपनी गाड़ियाँ हटा दी, लेकिन भविष्य में भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। क्या नाम? मैं सूबेदार दीपेंद्र सोनकर, थाना प्रभारी।